Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. Our today's topic is histology of pancreas. Today we will see about histology of pancreas. Before this we had seen about other glands like hypophysis cerebri, thyroid gland, parathyroid gland and suprarenal, which is also called adrenal gland. Today we will see about pancreas, like its structure, its size, its morphology and different variations and varieties of pancreas. Okay, so shall we begin? आज हम देखेंगे pancreas के बारे में. सबसे पहले देखेंगे pancreas का क्या होता है. Highly cellular gland secrete pancreatic juice. Pancreas क्या होता है? एक highly cellular gland होता है जो क्या secrete करता है? Pancreatic juice secrete करता है. Pancreas क्या होता है? Highly cellular यानी उसमें बहुत सारे cells से मिलके बना होता है, बहुत सारे cells होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं highly cellular. और क्या सीक्रेट करता है पैनक्रियास? पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है. सबसे पहले हमें देखेंगे पैनक्रियास का शेप कैसा होता है. पैनक्रियास का शेप एक लीफ के जैसे, एक लंबी सी लीफ है उसके जैसे रहता है उसका शेप. और जो उसके टेल पोर्शन रहता है उसमें होते हैं इसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस नाम के सेल्स होते हैं जो कि क्या सीक्रेट करते हैं? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन नाम के हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं. ठीक है, islets of Langerhans secrete insulin and glucagon. जो islets of Langerhans होते हैं, इसमें जो cells होते हैं उनका काम होता है secrete करने का. क्या secrete करते हैं? Insulin and glucagon नाम का hormone secrete करते हैं. Pancreas pancreatic juice भी secrete करता है जो कि आपके digestion में मदद करता है. और pancreas का दूसरा काम होता है insulin और glucagon नाम जैसे hormones को secrete करना. Pancreas क्या होती है? ऐसी gland होती है जो एक्ट करती है एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड ऑल्सो एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड. किसके जैसे एक्ट करती है ये? एक्सोक्राइन ग्लैंड के जैसे भी एक्ट करती है ये, और एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे भी एक्ट करती है. जो उसका बाहरी जो डक्ट रहता है मेन डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, वो एक्ट करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड के जैसे. और जो इसका इनर जो भाग होता है, अंदर का जो भाग होता है टेल पोर्शन का लास्ट पोर्शन, वो एक्ट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे. तो इसको हम दोनों बोल सकते हैं, सेमी एंडोक्राइन एंड सेमी एक्सोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, एक्सोक्राइन पार्ट डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू. इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट रहता है वो डिवाइडेड रहता है लोब्यूल्स में, यानी लोब्स में डिवाइड रहता है बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू. एक थिन कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट रहता है वो डिवाइडेड रहता है. डक्ट्स आर इंटरकैलरी जॉइंट टू फॉर्म इंटरलोब्यूलर एंड इंट्रालोब्यूलर एंड मेन पैनक्रियाटिक डक्ट. इसकी जो डक्ट्स रहती है इंटरकैलरी रहती है, यानी एक दूसरे से लगातार अटैच रहती है, जॉइंट रहती है. और क्या बनाती है? इंटरलोब्यूलर एंड इंट्रालोब्यूलर डक्ट एंड मेन पैनक्रियाटिक डक्ट. जैसे कि ये देखिए आप, इसका डायग्राम है ये पैनक्रियास का. ये डायग्राम है तो इसमें ही बना है, पूरा ही डायग्राम बना हुआ है. ठीक है, तो ये रहा इंटरकैलेटेड डक्ट. ये देख रहे हैं एक से एक के बाद एक के बाद अटैच है, ये इंटरकैलेटेड डक्ट है. उसके बाद है इंटरलोब्यूलर डक्ट, ये एक दूसरे से अटैच लाइन है. डक्ट्स आर इंटरकैलेटेड जॉइंट टू फॉर्म इंटरलोब्यूलर एंड इंट्रालोब्यूलर एंड मेन पैनक्रियाटिक डक्ट. एक दूसरे से जुड़ी रहती है. ये बना हुआ है इंटरकैलेटेड डक्ट, ये रहा इंट्रालोब्यूलर और जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है ये दिख रहा है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, ये इससे जॉइंट है. तो ये हमने देखा इससे कैसे ये जॉइंट है. अब इसके बाद देखेंगे हम आगे. इंट्राटुब्युलर इज लाइन बाय क्यूबॉइडल सेल्स. जो इंट्राटुब्युलर जो है, जो डक्ट है इंट्राटुब्युलर, वो जॉइंट है या लाइन है. किसके कवरिंग से लाइन है? वो क्यूबॉइडल सेल्स. ये देखो इंट्राटुब्युलर डक्ट, ये है इंट्राटुब्युलर डक्ट. किससे जॉइंट है ये? और ये इंट्राटुब्युलर इंट्राकैलेटेड डक्ट. ठीक है, ये किससे जॉइंट है? ये क्यूबॉइडल सेल्स दिख रहे हैं, ये क्यूब्स में क्यूबॉइडल सेल्स दिख रहे हैं. ये क्यूब्स में जो बने होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स यानी जो क्यूब्स में बने रहते हैं उनको बोलते हैं क्यूबॉइडल सेल्स. इंटरट्यूबुलर इज लाइन बाय कॉलमनर सेल्स. और जो इंटरट्यूबुलर होते हैं वो किससे जॉइंट रहते हैं? कॉलमनर सेल्स, जो कॉलम्स में रहते हैं. दिख रहे हैं ये कॉलम्स में बने हैं, बाकी के सेल्स दिख रहे हैं कॉलम्स में, यानी ऐसे कॉलम्स खंभे के जैसे रहते हैं.
मेन पैनक्रियाटिक डक्ट लाइन बाय स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है वो लाइन रहती है किससे? स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर कैसी रहती है? जिसमें कॉलमनर जो सेल है, एपिथेलियल सेल, उसकी दो लेयर रहती हैं, ठीक है। तो जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है उसमें देख रहे स्ट्रेटिफाइड सेल से ये लाइन रहता है। क्या देख लिया हमने? इंटरकैलेटेड डक्ट, इंटरलोबुलर डक्ट और मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। और एक और पॉइंट, जो एंट्रोएक्यूनर जो सेल्स है, एंट्रोएक्यूनर सेल्स से फिर क्या स्टार्ट होता है? इंटरकैलेटेड डक्ट स्टार्ट होता है। इंटरकैलेटेड डक्ट में क्या क्या होते हैं? वो होते हैं इंट्रालोबुलर और इंटरलोबुलर। इंटरकैलेटेड डक्ट में क्या क्या आती हैं? इंट्रालोबुलर और इंटरलोबुलर। ENTR इंट्रालोबुलर और ENTER इंटरलोबुलर, ये दो डक्ट्स रहती हैं। जो किसके कौन से सेल्स के बाद जो शुरू होती हैं डक्ट्स की लाइन, जो जैसे कि रो है, इस रो में जैसे कि है सेंट्रोएक्यूनर सेल्स, ये है सेंट्रोएक्यूनर सेल्स। सेंट्रोएक्यूनर सेल्स के बाद अब आएगी दूसरी रो में कौन सी आएगी? इंटरकैलेटेड डक्ट्स। उसमें कौन कौन सी आएगी? इंट्रालोबुलर और इंटरलोबुलर, ठीक है। लाइन वाइज ये एक सीक्वेंस में है, ठीक है। सबसे पहले आएगी सेंट्रोएक्यूनर सेल्स, सेंट्रोएक्यूनर सेल्स के बाद आता है इंट्रालोबुलर डक्ट और इंटरलोबुलर, इंट्रालोबुलर के बाद आता है इंटरलोबुलर डक्ट, यानी उसके बाद ऐसे फिर सबसे एंडिंग पॉइंट में, यानी जो उसका सिरा रहता है वहां पे होती है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट होती है। और जो इंट्रालोबुलर होती है किसमें होती है? क्यूबॉइडल में होती है। और जो इंटरलोबुलर होती है वो कॉलमनार में रहती है। और जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है वो किस में रहती है? स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार साइल्स की लाइन से वो घिरी हुई रहती है, ठीक है। सेल्स हैव बेसल, बेसोफिलिया एंड राउंडेड न्यूक्लियाई। सेल्स में क्या होता है? बेसल बेसोफिलिया होता है और जिसकी न्यूक्लियाई रहती है वो राउंडेड रहती है, यानी गोल रहती है, ठीक है। सेल्स हैव बेसल बेसोफिलिया एंड राउंडेड न्यूक्लियाई। ये देखो इसमें मेसोफिलिया लिख रहा है, एक्यूनर सेल्स हो गया सेंट्रो, इसमें और जो न्यूक्लियाई है यानी न्यूक्लियस इसमें राउंडेड रहता है, ठीक है। फ्यू मायो एपिथेलियल एंड बास्केट सेल्स सीन्स। कुछ फ्यू यानी कुछ मायो एपिथेलियल और बास्केट सेल्स दिखते हैं। ये दिख रहे हैं, ये तीन, एक दो तीन, इधर मायो एपिथेलियल सेल्स। मायो एपिथेलियल और बास्केट सेल्स क्या होते हैं? हेल्प टू स्क्वीज द एक्यूनर सेल्स टू सीक्रेट हॉर्मोन। या क्या करते हैं? हेल्प करते हैं स्क्वीज करने में। स्क्वीज यानी निब्बू कैसे निचोड़ते हैं हम, उसको बोलते हैं स्क्वीज करना, किसी को निचोड़ना। तो क्या करता है? उसको स्क्वीज करता है यानी दबाता है। उसको दबाने से क्या होता है? एक्यूनर सेल्स जैसे दबते हैं, स्क्वीज होते हैं, तो निब्बू को कैसे निचोड़ते, रस बाहर आता है, तो वैसे ही ये एक्यूनर सेल्स को निचोड़ता है, दबाता, स्क्वीज करता है, जिससे क्या होता है? इसके अंदर से हॉर्मोन्स बाहर आते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं? फ्यू मायो एपिथेलियल एंड बास्केट सेल्स सीन्स। कुछ मायो एपिथेलियल और बास्केट सेल्स दिखते हैं। क्या काम होता है इनका? स्क्वीज करते हैं एक्यूनर सेल्स को टू सीक्रेट हॉर्मोन्स। तो इसके पहले हमने देखा था एक्सोक्राइन प्लांट जो था उसका पार्ट था पेनक्रियास का, वो देखा था। अब हम देखेंगे एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है। एक्सोक्राइन हम देख चुके हैं, एक्सोक्राइन में मैंने बताया इंटरकैलेटेड डिस्क रहती है और इंट्रा और इंटरलोब्यूल्स रहते हैं उसमें, जो कि क्या सीक्रेट करते हैं? पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं, ठीक है। तो हम एक्सोक्राइन पार्ट देख चुके हैं पेनक्रियास का, अब हम देखेंगे एंडोक्राइन पार्ट। तो अब एंडोक्राइन पार्ट में क्या क्या आता है? उसमें आता है इजलेट्स ऑफ लैंगरहंस। इजलेट्स ऑफ लैंगरहंस ऐसे सेल्स रहते हैं जो कि सीक्रेट करते हैं हॉर्मोन्स को। पैनक्रियाटिक जूस अलग रहता है जो कि उसका एक्सोक्राइन पार्ट सीक्रेट करता है। अब हम देखेंगे एंडोक्राइन पार्ट जो सीक्रेट करेगा हॉर्मोन्स को। क्या सीक्रेट करता है ये? इजलेट्स ऑफ लैंगरहंस कंस्टिट्यूट एंडोक्राइन पार्ट, यानी उसका एंडोक्राइन पार्ट होता है ये। अरेंज इरेगुलर एंड पिलर स्टेनिंग देन एक्यूनर सेल्स। अरेंज रहते हैं इरेगुलर यानी आगे पीछे अरेंज रहते हैं एंड पिलर स्टेनिंग देन एक्यूनर सेल्स। और पिलर यानी हल्की स्टेनिंग देते हैं एक्यूनर सेल के कंपैरिजन में। कौन देते हैं? इजलेट्स ऑफ लैंगरहंस क्या रहते हैं? इरेगुलर रहते हैं और पिलर यानी हल्की स्टेनिंग देते हैं, यानी उससे ज्यादा पिलर यानी ज्यादा स्टेनिंग देते हैं किसके मुकाबले? एक्यूनर सेल्स के मुकाबले। अब ये देखो इसका ये हिस्टोलॉजिकल
ट्रांसवर्स सेक्शन में ही ऐसे दिखता है। ये रहा इसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, दिख रहे हैं ये? ये रहा इसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, ये रहे आपके एक्विनार सेल्स, है ना, एक्विनार या सीरस एक्विनस जो भी बोल सकते हैं, ये भी बना, इधर भी बना है, सीरस एक्विनस के बीच में ये है इसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, ठीक है। एडिपोज सेल्स, जैसे मैंने आपको बताया फ्यू ड्रॉपलेट्स रहते हैं एडिपोज सेल्स के, इसमें पेंक्रियास के अंदर, ये है स्मॉल डक्ट और ये है लार्ज डक्ट। कौन सी है ये? एक है स्मॉल और एक है लार्ज। स्मॉल एंड लार्ज डक्ट, ठीक है, ये स्मॉल डक्ट और ये लार्ज डक्ट। डक्ट से क्या होता है? सिक्रीशन ही होता है। सीरियस एक्विनस, जिससे के थ्रू क्या निकलता है? सीरियस एक्विनस में ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन के थ्रू क्या सीक्रेट होता है? हार्मोन सीक्रेट होता है। एडिपोज सेल्स और ये इसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, तो ये हमने देख लिया। अब क्या होता है, इसलेट्स आर टू टाइप्स, अल्फा एंड बीटा सेल्स। इसलेट्स क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, वन इज अल्फा सेल्स एंड सेकेंड इज बीटा सेल। अल्फा सेल कॉन्स्टिट्यूट 20% एंड सीक्रेट ग्लूकागॉन। अल्फा जो होता है वो क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूट 20%, यानी जो 20% जो होते हैं इसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, उसमें से 100% में से 20% पार्ट किसका होता है? अल्फा का होता है, और बाकी रेस्ट ऑफ 80% किसका होता है? बीटा का होता है। यानी जो अल्फा पार्ट है उसमें कम होता है और बीटा पार्ट ज़्यादा होता है। तो अल्फा पार्ट से क्या होता है? ग्लूकागॉन सीक्रेट होता है, और बीटा पार्ट से इंसुलिन सीक्रेट होता है। बीटा सेल कॉन्स्टिट्यूट 80% एंड सीक्रेट इंसुलिन। जैसे मैंने अभी आपको बताया बीटा सेल कितना होता है? 80% रहता है, कॉन्स्टिट्यूट रहता है, और क्या सीक्रेट करता है? इंसुलिन सीक्रेट करता है। बीटा स्पेशल स्टेन से जब उसको ट्रीट करते हैं, अल्फा सेल्स शो रेड ग्रैन्यूल्स। जब इसको स्पेशल स्टेन्स जो रहती हैं उससे ट्रीट करते हैं, तो अल्फा सेल्स शो करते हैं रेड ग्रैन्यूल्स, एंड बीटा सेल्स क्या शो करते हैं? ब्लू ग्रैन्यूल्स। बीटा सेल्स शो ब्लू ग्रैन्यूल्स। जो बीटा सेल्स होते हैं ब्लू ग्रैन्यूल्स, जस्ट ब्लू दिखते हैं उसके ग्रैन्यूल्स, और अल्फा के क्या दिखते हैं? रेड कलर के दिखते हैं, ठीक है। बीटा सेल्स ग्रैन्यूल्स आर अल्कोहल रेजिस्टेंट एंड वाटर सॉल्युबल। बीटा सेल के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, अल्फा सेल्स ग्रैन्यूल्स आर अल्कोहल रेजिस्टेंट एंड वाटर सॉल्युबल। जो अल्फा सेल्स के जो ग्रैन्यूल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? अल्कोहल रेजिस्टेंट, यानी अल्कोहल के खिलाफ, यानी अल्कोहल से उनका जमती नहीं है, यानी अल्कोहल को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उनके साथ रह नहीं पाते, ठीक है। एंड वाटर सॉल्युबल, एंड वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाते हैं, यानी वाटर के साथ घुल मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका एक बेस्ट फ्रेंड है और एक ऐसा फ्रेंड है जिसके साथ आपकी बनती नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? आपका रेजिस्टेंट हो गया। जैसे कि आप हो गए अल्फा सेल, ठीक है, आपका एक बेस्ट फ्रेंड है और एक ऐसा जो है इंसान जिसकी आपके साथ बनती नहीं है, तो जिसकी नहीं बनती है वो आपका रेजिस्टेंट है, यानी आप उसके साथ बैठ नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते, ठीक है, वो आपसे का हो गया रेजिस्टेंट। और एक हो गया ऐसा बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ आपकी बहुत बनती है, पूरे समय आप साथ में रहते हो, तो वो क्या हो गया? वाटर सॉल्युबल हो गया वो पार्ट, वो फ्रेंड क्या है आपका? वाटर सॉल्युबल, यानी उसके साथ आपकी बनती है, उसके साथ आप घुल मिल सकते हो। पर एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी नहीं बनती है, वो क्या हो गया? रेजिस्टेंट हो गया। उसी प्रकार जो अल्फा सेल होते हैं वो अल्कोहल रेजिस्टेंट रहते हैं, यानी अल्कोहल से उसकी बनती नहीं है, और जो वाटर रहता है उसके साथ सॉल्युबल रहते हैं, यानी उसके साथ उसकी बनती है, ठीक है। बीटा सेल्स ग्रैन्यूल्स आर अल्कोहल सॉल्युबल। अब उल्टा, इसका उल्टा क्या होता है? अल्फा तो रहता है अल्कोहल रेजिस्टेंट, पर जो बीटा रहता है वो अल्कोहल सॉल्युबल रहता है, यानी बीटा में क्या रहता है? वो अल्कोहल का से सॉल्युबल हो जाता है, यानी उससे घुल मिल जाता है, पर वाटर रेजिस्टेंट, यानी वाटर से के साथ वो घुल मिल नहीं पाता है, उसके रेजिस्टेंट में रहता है वह, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, अल्फा सेल्स प्रेजेंट इन पेरिफेरल एंड बीटा सेल्स इन सेंटर। जो अल्फा सेल रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं पेरिफेरल में, और जो बीटा सेल्स रहते हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? सेंटर में, ठीक है। ये देख लो, ये रहे एक्विनार या सीरस सेल्स, दिख रहे हैं ये एडिपोज टिश्यू जैसे हैं। ये इसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, फिर से देख लीजिए, स्मॉल डक, लार्ज डक, ये इसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, और उसके चारों तरफ क्या है? एक
किससे कवरिंग है ये? सीरस एक्नस से। सीरस एक्नस से क्यों कवरिंग है? क्योंकि जब ये जो सेल्स हैं इसलेट्स ऑफ लैंगरहंस जब ये बनाएंगे हॉर्मोन्स तो सीक्रेट होके कहाँ आएंगे? किसके थ्रू निकलेंगे? ये एक्नस के थ्रू। और एक्नस में क्या होगा? ल्यूमेन होगा। ल्यूमेन के थ्रू निकलेंगे हॉर्मोन्स। और उनको कौन निकालने का काम किसका होता है? मायो एपिथेलियल एंड बास्केट सेल्स क्या करते हैं? उसको स्क्वीज करके निकालते हैं। अब हम देखेंगे इसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स, यानी इसमें क्या क्या एबनॉर्मलिटीज होती हैं। पेंक्रियाटाइटिस में क्या होता है? ब्लॉकेज ऑफ डक्ट्यूल्स बाय प्रोटीन प्लग, ठीक है, ब्लॉकेज होता है डक्ट्यूल्स का। डक्ट्यूल्स यानी डक्ट्स में से निकलते हैं डक्ट्यूल्स जिसमें से सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। डक्ट होता है और डक्ट्स के आगे चल के बनता है डक्ट्यूल्स, ठीक है। उनसे जिसमें से सिक्रीशन निकलता है वो क्या होते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं बाय प्रोटीन प्लग। प्रोटीन उसमें प्लग बनाकर यानी एक जाम बना देता है प्रोटीन, जिससे क्या होता है? डक्ट्यूल्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? सिक्रीशन नहीं हो पाता है। डायबिटीज़ तो बहुत नोन है, सब जानते हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ क्यों होता है? अब डायबिटीज़ होता क्यों है? लैक ऑफ इंसुलिन रेज्ड ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन का कम होने के वजह से क्या होता है? ब्लड का जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन आपके ब्लड के में जो शुगर लेवल है वो मेंटेन करके रखता है, ताकि क्या होता है, जो अल्फा सेल्स अगर ग्लूकोगन सीक्रेट कर रहा है, ग्लूकोगन से क्या बनता है? आगे चल के ग्लूकोज आपकी बॉडी में कन्वर्ट होता है, जो कि आपकी बॉडी का मेंटेनेंस करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। पर क्या होता है, ग्लूकोज का अधिक लेवल यानी एक्स्ट्रा लेवल जब एक्सेसिव लेवल बढ़ जाता है तो बॉडी में क्या होता है? ऑर्गन फेलियर और भी बहुत सारी समस्या होने लग जाती है। तो इसको एक नॉर्मल लेवल, कोई भी चीज़ अधिक होने से क्या होता है? बॉडी में दिक्कत ही होती है, ठीक है। तो जो जब ग्लूकोगन बढ़ जाता है तो ग्लूकोगन के लेवल को बनाए रखने का काम क्या करता है? इंसुलिन का होता है। इसलिए इंसुलिन का जो पोर्शन रहता है 80% रहता है और ग्लूकोगन का 20% रहता है। अगर इसका 80 रहा और इसका 20 रहा तो ज़्यादा संख्या को के लोगों को कम संख्या के लोग नहीं रोक पाएंगे। अगर जैसे कि बॉर्डर पर फाइटिंग हो रही है, बॉर्डर पर अगर फाइटिंग हो रही है अगर, और वहाँ पे है 100 लोग और इस तरफ है 20 लोग, तो कौन ज़्यादा भारी पड़ेंगे? 100 लोग ज़्यादा भारी पड़ेंगे ना 20 के मुकाबले, 20 को 100 हरा देंगे। उसी प्रकार क्या होता है, अगर ये जो अल्फा सेल्स है अगर वो ज़्यादा रहे इसके मुकाबले, बीटा सेल्स के मुकाबले, तो क्या होगा? बीटा सेल्स जो हैंगे जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं वो उस पर ज़्यादा हावी नहीं हो पाएंगे, इस पर ग्लूकोगन पे। तो इसलिए क्या होता है, बीटा सेल्स ज़्यादा होते हैं और अल्फा सेल्स कम होते हैं, क्योंकि क्या काम होता है इंसुलिन का? ग्लूकोज लेवल को कम करके रखना। और डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है। नेचुरली जो प्रोडक्शन आपकी बॉडी जो पेनक्रियास करता है इसलेट्स ऑफ लैंगरहंस के थ्रू, तो उसका प्रोडक्शन ही कम हो जाता है। प्रोडक्शन बंद होने की वजह से क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाता है। क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ मेलिटस, यानी शुगर की बीमारी पेशेंट्स में हो जाती है। क्यों होती है? इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। तो फिर आप प्रोडक्शन बंद हो गया तो कैसे करेगा वो? टैबलेट्स के थ्रू, और इंसुलिन के इंजेक्शंस आते हैं उसके थ्रू क्या होता है, इंसुलिन लेवल को वो बॉडी में बनाए रखने के लिए। फिर बाहर से हम इंसुलिन लेते हैं, क्योंकि जो नेचुरल जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है बॉडी में बंद हो जाता है। तो ये रही आज की हमारी हिस्टोलॉजी ऑफ पेनक्रियाज। हमने देखा हिस्टोलॉजी ऑफ पेनक्रियाज, उसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं, क्या क्या सेल्स के टाइप्स होते हैं, और उसके हिस्टोलॉजिकल व्यू देखा, उसके ये देखा हमने कि उसके दो पार्ट होते हैं, एक उसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है और एक उसका एंडोक्राइन पार्ट होता है, ठीक है। ये आज हमने देखा हिस्टोलॉजी ऑफ पेनक्रियाज।